हेलो एवरीवन, तो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो सबसे फर्स्ट एक्सक्यूज़ आता है कि मेरा लाइफ तो इंटरेस्टिंग है नहीं, मैं ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट ये सारे एक्सक्यूज़ को साइड करके आज से मैं आप सभी को मैं रेगुलर ब्लॉग दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो अभी करेंटली मैं बैंकॉक में हूँ और ये मेरा रूम था, आप देख सकते हो, अभी ये मेरे रूम का बैकग्राउंड है। और अभी रूम से बाहर का नज़ारा देखो गाइस, ये बैंकॉक में था, एक दिन हो चुका है, कल मैं आया था इधर। और ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ये जस्ट लाइक दुबई ही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसा कुछ, एज सच ज़्यादा मैं एक्सप्लोर किया नहीं हूँ। और यहाँ से अभी करेंटली मैं जा रहा हूँ पटाया। ओके, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा, काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम लोग होटल से बाहर आ चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत मुश्किल से सर्च किया है। और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है आई डोंट लाइक, एकदम बिल्कुल अजीब लगता है, टेस्ट स्मेल सब कुछ अजीब ही है, तो मुझे पसंद आया नहीं। तो मैंने इंडियन रेस्टोरेंट जस्ट अभी सर्च किया था और मैं वहाँ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से रहता है। तो मैं सिंपल वेज खाने वाला हूँ क्योंकि नॉनवेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है ऐसे जगह पे बाहर में, जहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू हो कि पता नहीं नॉनवेज में क्या ही दे देगा। ओके, और ये यहाँ का नज़ारा देखो, सीधा स्ट्रीट। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट तो मैं आ चुका हूँ और जस्ट मैंने ऑर्डर किया है, देख सकते हो, दाल फ्राई एंड राइस और ये है जूस। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ टेस्ट कैसा था इसका। ओके, तो जस्ट मैंने अभी खाना खा लिया, दाल फ्राई, भिंडी फ्राई, रोटी, चावल, सारा मज़ा आ गया था। ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट था, ये देख सकते हो मेरे पीछे, उसके अंदर ही था। और अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, होटल से फिर चेकआउट करके पटाया के लिए निकलूँगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसा रहता है। टेस्ट बहुत ही अच्छा था, ये जगह है आप लोग देख लो, ये था। ठीक है, तो आई विल शो यू। तो गाइस, कैश तो अभी ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ ATM। कैश थोड़ा निकालना ज़रूरी होता है अगर आप बाहर रहते हो तो, इधर फ़ोन पे गूगल पे तो रहता है नहीं कि आप दे दोगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं, जस्ट ATM पास में ही है होटल से, ये पीछे मेरा होटल था, अभी मैं जा रहा हूँ कैश थोड़ा निकाल लेता हूँ। गाइस, तो ये है ATM, मैं दिखाता हूँ ATM। ओके, अभी पैसा निकाल लेता हूँ। गाइस, अभी जस्ट मैंने पैसा निकाल लिया, दिखाता हूँ यहाँ का करेंसी, ये रहा, मैंने 5000 थाई बात निकाला है। कितना देर चलता है कैब आ चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्रैब करके एप्लीकेशन है, उससे आप कैब बुक कर सकते हो, सो दिस इज़ प्राइम SUV। तो गाइस, अभी बैंकॉक से पटाया के लिए निकल गया हूँ और यहाँ से लगभग 120-130 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 2 घंटे के आसपास लगता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गणेश जी की मूर्ति, गणपति बप्पा। लुक एट द व्यू, क्या मस्त नज़ारा है, देख सकते हो आप पहाड़। और अभी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर और बचा हुआ है पटाया पहुँचने के लिए। तो अभी सडनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो लगभग बैंगलोर में 5 महीने से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ थाईलैंड में आज सेकेंड डे है और बारिश देखने के लिए मिल गया, गुड सरप्राइज। एक्चुअली नज़ारा दिखाता हूँ आपको बाहर का, ये देखो, पहले था कि बैंगलोर में हर दो तीन दिन में तो बारिश हो ही जाती थी, बट अब ऐसा हो चुका है कि बारिश अब होती ही नहीं है बैंगलोर में, 5 महीने से नहीं हुई इतना ज़्यादा वाटर शॉर्टेज चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। ओके गाइस, तो अभी मैं पटाया पहुँच गया हूँ और दिखाता हूँ अभी रूम का नज़ारा। ये है मेरा रूम, प्यारा सा बाथटब है और ये है मिरर। ओके, अभी मैं रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरा बेड, और काफ़ी सही प्रॉपर्टी है यार, मज़ा आ गया आप देख सकते हो, वेलकम मयंक राज, थैंक यू। तो है ये है हिल्टन। ओके, अभी मैं रूम से बाहर का दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा नज़ारा है यार, क्या मस्त व्यू है, ये देख सकते हो ये सिटी व्यू, मेरा 19th फ्लोर पे है और ये है देखो इसका पुल, ठीक है पुल है, और ये है देखो समुंद्र,
क्या मस्त नज़ारा है यार। मैंने बोला था सी व्यू देने के लिए बट इन्होंने ये दिया है। चलो फिर भी ये अच्छा है, गुड, आई लाइक इट, काफ़ी सही जगह है, मस्त, नीचे लोग नहा रहे हैं। मैं जूम नहीं करूँगा गाइस, नहीं तो बोलोगे यार अश्लीलता फैला रहे हो आप। तो ये है, क्या मस्त व्यू बन रहा है यार, आई लाइक इट, मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, नीचे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा प्यारा सा व्यू, इन्जॉय करवाएंगे आपको, ठीक है। चलो गाइस, तो मैं नीचे आ चुका हूँ पुल के पास, क्या ही व्यू है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ आपको, सी द व्यू। ये ऊपर 19th फ्लोर पे मेरा रूम था और दिस इज़ द व्यू, क्या नज़ारा यार, आई लव इट। एक चीज़ सही है इधर थाईलैंड में, काफ़ी सही लगा मुझे, लोग मस्त चिल रहते हैं, किसी से कोई उतना ज़्यादा मतलब रखते नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सही जगह है, अगर आप भी आओ तो थाईलैंड का प्लान करते हो तो आ सकते हो, काफ़ी लो बजट में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, अगर थोड़े पैसे भी रहेंगे तो आप सही जगह पे एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज हो चुकी है रात और अभी निकलने वाला हूँ मैं बाहर बीच साइड पे, मैं यहाँ दिखाता हूँ इधर आपको, ठीक है, अभी बीच साइड में जाने वाले हैं, उधर देखता हूँ उधर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और मैं स्ट्रीट साइड भी दिखाऊँगा, काफ़ी प्यारी जगह यार, काफ़ी प्यारी जगह। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे ब्लॉग। तो आज दूसरा दिन है और अभी मैं जस्ट सो के उठा, रात में काफ़ी ज़्यादा ये पार्टी वार्टी के चक्कर में लेट हो गया था सोने में, सुबह 5 बजे मैं सोया था गाइज, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बजने वाला है, तो काफ़ी देर सोने के बाद अभी जस्ट उठा हूँ, फ्रेश हुआ, ये रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये रूम मैंने एक दिन के लिए बुक किया था, इससे थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ, दूसरा रूम आपको लेकर चल के दिखाऊंगा कैसा है। अभी देखोगे बाहर तो बाहर बहुत कम लोग हैं जो पुल में नहा रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। कल रात का कहानी बताता हूँ, कल रात में यहाँ पे एक वॉकिंग स्ट्रीट करके नाम है, ठीक है, ऐसा स्ट्रीट है कि मत पूछो, मतलब उधर क्या ही क्या था, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बोलोगे यार मयंक भाई तुम बहुत अश्लील हो रहे हो, मैं ये सब करता नहीं, बिल्कुल नशा भी नहीं करता और इन सब चीज़ों का शौक़ भी नहीं है मुझे, लेकिन आप आओगे अगर आप ये सब करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, मुझे तो ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है नहीं, तो आज कुछ नया एक्सप्लोर करने वाला हूँ थाईलैंड में, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लड़की वड़की दारू वारू ये सब मेरा शौक़ नहीं है, तो इस चक्कर में ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया मैं। ओके, तो मैं आज बाहर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। ओके गाइस, तो गाइस रूम तो सेम ही है, ऐसा कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है कि अलग रूम दे दिया, सेम डिज़ाइन है बिल्कुल, देख सकते हो, सेम एज प्रीवियस वन, ये सेम है, बस कुछ अलग नहीं किया इन्होंने, बस पहले था मेरा 19th फ्लोर पे और अभी इन्होंने कर दिया है 32 फ्लोर पे। ओके गाइस, तो अभी मैं 33rd फ्लोर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे फ्री लॉन्च एक्सेस था, तो सोचा थोड़ा सा क्यों ना लुत्फ उठाया जाए फ्री चीज़ों का। ये है कॉफ़ी, आप देख सकते हो, ठीक है, जस्ट ऑर्डर किया, पीछे का नज़ारा यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हो। कैडो में गाइस क्यों लोग कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे की तैसी करते हैं, ये इतनी कड़वी होती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस अभी जस्ट मैं यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट आया था यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो ये भाई साहब से पूछा कि क्या क्या मिलता है, तो बोले कि भाई एक बार खा के तो देखो, यहाँ से कहीं जाओगे ही नहीं। भाई घर तो जाना ही पड़ेगा ना।
पता चला यही मयंक भाई आपका बर्तन बर्तन साफ करने में लगा हुआ है। बाकी अच्छा है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर तो टेस्ट अच्छा ही होगा, देखते हैं कैसा रहता है। इंडिया से बाहर अगर ऐसा खाना मिल जाए तो आप गेस करके बताओ कैसा फील करोगे आप, जस्ट इमेजिन। ओके गाइस, तो शाम के 6 बज रहे हैं और अभी ऐसा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, क्या ही प्यारा सा व्यू है, आप देख सकते हो। मौसम भी सही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और दिस इज़ पटाया और ये है होटल मेरा गाइस, देख सकते हो। ओके हिल्टन 19th फ्लोर पे है और तो यहीं पे फर्स्ट ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा देखने में, काफ़ी पसंद करोगे तो लाइक कर देना ब्लॉग को, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले ब्लॉग शूट करने का और मैं आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करके दिखाऊंगा। जैसे कि अभी जितना भी वाटर एक्टिविटी है सब पेंडिंग है और भी बहुत सारा जगह घूमना है वो दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग लाइक कर देना, कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप, कुछ भी अगर जगह आप सजेस्ट करना है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको चेक करूँगा और आई विल ट्राई इट आउट। ओके आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।